इसमें एक रीजन का फिल्टर बना लिया था और एक अपना एक कस्टमर वाला। इसमें जो एडिशनल मुझे लगाना है फिल्टर, तो बाकी लग जाएंगे। एडिशनल जो लगाया है मैंने वो कैसे लगाया वो बता देता हूँ आपको। जो स्पीडोमीटर लगा था इसमें, स्पीडोमीटर मैंने लास्ट आपको बनाना बताया था। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, अपने बने बनाए में से पहला वाला कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वो तरीका वही है सारा उसका। उसमें बाकी मैंने ग्राफिक डाल रखा है। ग्राफिक क्या मतलब, वैसे ही है। ये है इसका, मैं डेटा यहां से चेंज कर देता हूं। पहले इसके ब्रेकअप दे देता हूं चार्ट के, डेटा चेंज करने के लिए। इसमें जो मैंने ये डेटा 1% का लिया है, पहले मैं अपने डेटा पे जाता हूं। अब मुझे पहला क्या करना है, एक तो रेड येलो ग्रीन, इसमें थे 40, बीस, 40, 60, ये टोटल 20, नहीं 20, 20, 30, 30 फिक्स कर दिया। गेज पॉइंटर गेज मेरी थी, पॉइंटर तो 2 या 5 जो मर्जी चूज कर लूं। गेज जो थी मेरी, इसको मैंने लिंक करना था, यहाँ पे मुझे करना है 200 माइनस ये प्लस ये। इस डेटा के ऊपर सारा चार्ट बना हुआ है। ये जो हो गया मेरा वो उसके लिए हो गया डोनट चार्ट के लिए, ये हो गया पाई चार्ट के लिए और डेटा। अब दूसरा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, पहले मुझे चाहिए कि जो फिल्टर्ड डेटा है उसका सम कितना है। मैं क्या करूंगा, इसमें इसकी रेंज है फिल्टर्ड डेटा वाली, यहां से सम कर लूंगा, ठीक है जी, और टोटल। टोटल मैं ऊपर से डेटा में से ले लेता हूं, ये ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना हो मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड ये डिवाइडेड बाय कितना आ रहा, 29% के करीब, 29% होगा। हाँ गेज 29%। हाँ अगर मैं फुल छोड़ता हूँ उसके अंदर, तो जैसे यहाँ से फुल दे दूँ
अच्छा अभी तो इसका फिर फिल्टर तो है ही नहीं, तो सारा का सारा आना चाहिए। देखूं और कहीं फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, वन वन। अब ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, ठीक है जी, यानी कि ये 100% हो गया। तो इसको मैं, मुझे ना यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तो मेरे को परसेंटेज में वैल्यू मिल रही है जो कि 100 से अबव नहीं जाएगी, ठीक है जी। और इसको बेशक राउंड में भी डाल देते हैं ताकि हमें राउंड नंबर ही मिले, पॉइंट्स में ना मिले। तो गेज का मेरा मेरा यहाँ से सेट हो गया। अब जैसे ही कोई भी फिल्टर इसमें लगेगा तो ये उतना परसेंट बता देगा, जितनी भी परसेंट होगी इसकी, ठीक है जी। अब डोनट को ये दे देना है मैंने, और पाई को ये दे देना है। आके नहीं रहा है, एक को बंद कर देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट डेटा, डेटा में से मैंने ये वैल्यू फॉर्मेटिंग चली गई, कोई बात नहीं। सिलेक्ट डेटा, एडिट, यहां से मुझे ये डाटा ले लिया। ओके से चाहूं तो मैं यहीं से सेट कर सकता हूँ इसका कलर वाला गायब करके, और नहीं चाहता तो अपने पास महामंत्र है ही उसके लिए, कि हम कोई भी चार्ट का जो है फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं। ये बस मैंने कॉपी करना है और यहाँ ये सिलेक्ट करके इस पे पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट, रोटेट मेरे ख्याल से यहीं से करना पड़ेगा। अच्छा ये वहां 100 है तो ठीक आ रहा है, इसको फॉर्मेट कर देते हैं इससे, कंट्रोल सी और ये पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट हो गया सर, एकदम फॉर्मेट वैसा ही। सही है।
इसकी बस पोजीशन पर सेट करना है। उससे पहले मैं इसका बता देता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से आई। ये जो है नॉर्मल एक टेक्स्ट बॉक्स है, कोई भी अच्छा शेप्स में से आप ले लेंगे ना, ये है वो। हाँ अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे जाके इक्वल टू करना है और वो सेल चूज कर लेनी है जहां से रेफरेंस आएगा। मैंने क्या किया, गेज वाली वैल्यू से ले लिया बस। अब जैसे जैसे यहाँ वैल्यू चेंज होगी ये अपने आप यहाँ चेंज, ठीक है जी। जो हाँ तो यही चीज यहाँ की है, थोड़ा सा फॉर्मेट बढ़िया कर दिया। सही है। तो इसका भी रेफरेंस वहीं का दे देता हूँ। जैसा भी है अभी है। थोड़ा बाहर निकला हुआ है इस कारण से दिखा रहा है। बस सेटिंग के ऊपर है बाकी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एंट्री डाल जाती है। तो एक तरीका तो ये ये हमने है, पॉइंटर्स क्यों बनाया, इसको इसको कौन सा चार्ट बोलते हैं इन टोटलिटी, जैसे इसमें पाई भी हो गया, प्लस डोनट भी हो गया, प्लस वो आपका वो भी हो गया, गेज भी हो गया, तो इसको कौन सा इसको वो कहते बोलते हैं, हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते अच्छा हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ही बोलते हैं क्या इसको भी? हाँ ठीक जी हाँ जी, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वीडियो देख के बारी ठीक बारी 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 उसको कोशिश कीजिएगा पूरा बनाने की, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी इस चीज में कहीं और आपको लगता है कोई कंफ्यूजन चीज तो आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है जी, फिल्टर सारे ही ऐसे ऐड होंगे, कंट्रोल्स की मैंने बताया दिया। बाकी ये चीज आपको जो है डैशबोर्ड की प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि ठीक है ठीक है। शुरुआत में ये ऊपर से जाता है बिल्कुल। शुरू शुरू में आती है दिक्कत, बट ऐसा कोई ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहेगा, श्योर फंडा क्लियर होना चाहिए मेन तो। नहीं हाँ जी बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा एरे फॉर्मूला कर लेते हैं आपके लिए। डैशबोर्ड को यहीं स्टॉप चलो करते हैं, यार। क्योंकि उसके बाद एक और डैशबोर्ड का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये हमारे डैशबोर्ड जो है विदाउट वीबीए कोडिंग के चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं वीबीए कोडिंग अच्छा वाले। हाँ, क्योंकि मोस्टली आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग कैसे कैसे बनाते, नेट पे एग्जाम्पल देख देख के बनाते थे। ओके ओके बाकी मैं आपको एरे फॉर्मूला बताता हूँ और उसके बाद एक केपीआई का दूंगा, मतलब हम अपनी आगे वाली क्लासेस में यही करेंगे, ठीक है। एरे फॉर्मूला और केपीआई डैशबोर्ड। तो बेसिकली जब हम एरे फॉर्मूला की बात करते हैं, एरे फॉर्मूला होता है मल्टी सेल फॉर्मूला। मल्टी सेल फॉर्मूला जैसे अभी ये है, यहाँ हम ये नॉर्मल सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है जी। एक सेल का रिजल्ट एक ही सेल में दिखाता है, ठीक है जी।
एरे फॉर्मूला को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में दे दिया जाता है, और इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एक्टिवेट करते हैं इस फॉर्मूला को। सपोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हाँ जी हाँ जी, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो पहले इक्वल टू लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे। अब मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4, कॉमा सेपरेटेड दे दिया, कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। नॉर्मल अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ एक दिखाता है, ठीक है जी। इस फॉर्मूला को आगे पेस्ट करता हूँ, एक ही एक आ रहा है। ये कौन सी ब्रैकेट थी, कर्ली ब्रेसेस थी सर। मंजिली ब्रैकेट है क्या, मंजिली वाली है? हाँ जी हाँ जी वही है। तो आप इसको अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो वही आएगा, एक ही दिखाएगा तो वो आपको। एक 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 ही क्यों दिखा रहा है वो? अब देखिए, अब आपको चारों वैल्यू लानी है, चार सेल सिलेक्ट कीजिए, F2 दबाया, उसी कॉलम में एडिट होना चाहिए आपका, ठीक है जी, उसी सेल में। अब आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाने के साथ ही ये फॉर्मूला आपके चार सेल पे एक साथ लग गया। अब देखेंगे आपको फॉर्मूला बार में कोई अलग चीज नहीं दिखाएगा, ठीक बट है। ये फॉर्मूला भी सेम कॉपी हो गया, लेकिन उसमें चेंज क्या हुआ फिर? ब्रैकेट चेंज होती गई, बाकी क्या चेंज हुआ? नंबर ऑफ ब्रैकेट भी सेम है, जस्ट फर्स्ट फॉर्मूला लिखा आपने, ड्रैग किया उसको, ड्रैग नहीं किया सर, फिर वो वन एफ टू थ्री टू फोर क्यों दिखा रहा है? इसका क्या सेंस क्या है इसका फॉर्मूले का? मैं बता रहा हूँ सर। पहले तो मैं आपको निशानियां बता दूं, ये ना इक्वल टू से आगे यहाँ कर्ली ब्रेसेस और लग जाता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते ही, और एक आपका एंड में लग जाएगा एक और, तो ये ठीक एरे है। फॉर्मूला। दूसरा, आप इसको बीच में से कोई भी एक सिंगल फॉर्मूला डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको डिलीट करना हो तो आपको पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट करके डिलीट या एडिट करना होगा, ठीक है। ओके, और एडिट करने के बाद वापस वही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होगा, ठीक है जी। हेलो, हेलो आवाज हेलो नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही संदीप? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो अब आ रही है, सही आ रही है? मेरे ख्याल से थोड़ा डिले आ रही है आवाज, ये हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पे एरे फॉर्मूला आपने देखा कि इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाली और इसने अलग अलग सेल में इसको शिफ्ट कर दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ। अभी जो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया वो कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, बी सी डी ई। अब मैं इसको रोज में भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब देखिए कि अगर मैं यही फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगाऊं रो में, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाऊं तो क्या दिखा रहा है? ये वन दिखा रहा है खाली, हाँ खाली वन दिखा रहा है। इसको एक्सपेंड करता हूँ, F2 दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इस तरह से दिखा रहा है। यानी कि जो इसका एक्सपेंशन हो रहा है फॉर्मूला का, हमारे कॉलम्स में हो रहा है, ठीक है सही सर। है। अब हमें रो में एक्सपेंशन चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमा की जगह सेमी कॉलन दे देंगे, ओके, तो सिलेक्ट किया मैंने F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो अब ये रो में एक्सपेंड करेगा। ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे मैट्रिक्स बना देता हूँ थोड़ी सी। इसमें क्या करता हूँ, एक
कॉमा दो और फिर सेमी कॉलन, तो 3 फिर कॉमा 4 ऐसे करके देता हूँ। अब देखेंगे तो इस तरह से, ठीक है जी। तो इसकी ये रिजल्ट रिटर्न करने की फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से एरे डील करते हैं हम लोग। अब इसका यूज कहाँ करते हैं देखिए, अब एरे फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा तो पता पड़ा होगा कि मतलब क्या हो रहा है। एरे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। अब जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं सर, बार बार हमें कॉलम वॉलम देने पड़ते हैं, तो जहां वैल्यू वो आ रही है ना, जैसे मैंने 1 2 3 4 सप्लाई करना था, तो मैं एरे का फॉर्मूला लगा के इतने से दे सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हल्का सा डाटा बना लेता हूँ, आई मीन नेम सिटी, तो मुझे मान लीजिए वी लुकअप लगाना है एक बार में ही सारा, कुछ आईडी ले ले, क्या करूंगा, वी लुकअप लगाया मैंने, लुकअप वैल्यू ले ली, इसको फिक्स कर लूंगा जैसा मैंने फिक्सिंग है, क्योंकि ड्रैग का भी कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर। अब मैंने इसको भी डेटा ले लिया अपना, डेटा भी फिक्स कर दिया। अब बात आई कॉलम इंडेक्स की, जो कि मेरा चेंज होता रहता है, तो इसमें मैं वो वैल्यू दे दूंगा जो मेरे को पास करनी है, 1.2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है जी, और 0। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अच्छा 1.2 नहीं, यहाँ पे मैंने देना है 2.3, ये वैल्यू मैंने कॉलम इंडेक्स में पास करनी है नेम के लिए और सिटी के लिए 3, नेम के लिए 2, सिटी के लिए 3। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पूरा डेटा सिलेक्ट करके F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं एक्चुअली इतना खाली, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बाकी जगह मैं डेटा ड्रैग कर सकता हूँ। व्हाट्स हैपनिंग, ओके रो लॉक कर दी एक्चुअली मैंने, लॉकिंग गलत हो गई। यहाँ की जगह F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नो F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और यहाँ ये रहा, ठीक है जी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह था कि जो मैंने 2-3 सप्लाई करना था, मैंने एक फॉर्मूला से दे दिया, और इन्होंने अपनी अपनी जगह पे अलग अलग अपनी पोजीशन ले ली। जैसे यहाँ पे मैं खाली 2-3 इस तरह से देता, तो इन्होंने कॉलम इंडेक्स नंबर में इस तरह से ले लिया, ठीक है जी। बट ये 2-3 क्या है, ये 2-3 सर कॉलम इंडेक्स है, वी लुकअप जैसे हमने लगाया था ना, तो उसमें कॉलम इंडेक्स की जरूरत पड़ती है ना हमें, कॉलम इंडेक्स। ओके 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 ठीक है, कॉलम इंडेक्स और न्यूमेरिक, ठीक, हाँ जी नंबर, हाँ। तो वो कॉलम इंडेक्स हमें चाहिए था नेम के लिए 2, सिटी के लिए 3, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस में कॉलम इंडेक्स की जगह पे ये दोनों दे दी वैल्यू, ये 2 और 3 कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया, ये दोनों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर गया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ जी। दूसरा, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक और चीज का भी यूज करते हैं अपना, जैसे हम मैंने 2-3 आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिखाया यहाँ पे, तो एक तो तरीका है मैं कर्ली ब्रेसेस में कुछ भी दे दूं, ठीक है जी। दूसरा तरीका है रो, इसमें आप जितने नंबर देंगे ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सॉरी, रो जो है रो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा,
और दूसरा है कॉलम। इसमें क्या करना है, मैं वन कॉलन, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है, जितने तक आप सीरीज चाहते हैं, जैसे एक से चार चाहिए तो कॉलन। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ कॉलम में करना है तो कॉलन का मुझे वो लेना पड़ेगा, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यहाँ तक कॉलम आपको उतनी वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है जी, मतलब ये एक सीरीज से रिटर्न करता है आपको। तो रो कॉलम का भी यूज उसी में करते हैं हम लोग। अब देखिए कॉलम का यूज मैं कहाँ करूंगा, मैंने एक फॉर्मूला किया था एक थोड़े दिन पे, हमने पीवी रेट और क्या था एन पर मतलब ईयर्स का जो था ईयर, यहाँ मैंने 50,000 लिया था, यहाँ मैंने 14% लिया है, यहाँ मैंने 5 साल, हाँ 5 साल लिया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे मंथ डाल के यहाँ से 60 तक मैंने खींचा था। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट निकाला था और प्रिंसिपल निकाला था। प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट इस तरह से किया था, और इसमें मैंने आईपीएमटी इंटरेस्ट के लिए निकाला था। आईपीएमटी में मैंने लिया था रेट डिवाइडेड बाय 12, फिर पीईआर में मैंने ये लिए थे मंथ यहाँ से, और देन फिर एन पर में ये मल्टीप्लाई बाय 12, और करके पीवी मैंने ऊपर से ले लिया था। तो इस तरह से मैंने इंटरेस्ट लिया था, प्रॉब्लम यह है कि इंटरेस्ट को निकालने के लिए कि इसका 19,000 ये बन रहा है, मैंने इतना लंबा लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की है। ठीक है जी, अगर मुझे विदाउट इसके इंटरेस्ट निकालना था तो मैं क्या कर सकता था, तो यहां पे हमारा एरे फॉर्मूला काम आता है मल्टी सेल में। ये जितनी भी वैल्यू आपको यहां दिख रही है ये अपने अंदर ही वो करवाएगा, जनरेट कराएगा। कैसे कराएगा, वही आईपीएमटी का नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, रेट डिवाइडेड बाय 12 पर जो है, ये जो पीआर है ना, जो हम ये मंथ यहां से ले रहे थे पीरियड, अब इसकी जगह मैं लगा सकता हूं रो, और एक से 60 तक चाहिए, क्योंकि सेमी कॉलन में तो ज्यादा ही हो जाएगी ना सर, मतलब वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर को, तो एक से 60 तक मैं वो वैल्यू जनरेट करा सकता हूँ। दूसरा एन पर ये यहां से ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 12 और पीवी, तो ये बेसिकली मेरा एक एरे फॉर्मूला बन गया। अभी तो ये कुछ नहीं दिखाएगा मुझे, पहला ही दिखा रहा है मुझे पहला रिजल्ट अभी कंट्रोल शिफ्ट एंटर से, क्योंकि एक सेल में एक ही रिजल्ट रिटर्न कर सकता है, बट एरे फॉर्मूला क्या करते हैं, मल्टीपल रिजल्ट भी आपको देते हैं। तो उसको जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ताकि जितनी वैल्यू वो आईपीएमटी रिटर्न कर रहा है वो सम के अंदर दे दे, क्योंकि सम रेंज लेने में कैपेबल है। अब यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता हूँ तो आ गया सर रिजल्ट।
अब देखिए इस फॉर्मूले की किया क्या क्या, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि क्या क्या कर दिया इसने, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जाके इवेल्यूएट में चले जाइए और यहाँ देखिए कि हर एक चीज कैसे कैसे बदलती है। पहले हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, फिर हमने देखा रो 1 से 60 पे जा रहा है, रो 1 से 60 ने क्या किया, जैसे इवेल्यूएट दिया है 1 से लेकर 60 तक वो नंबर जनरेट कर दिए, ठीक है जी, जो हम वैसे करने वाले थे। फिर इसने क्या किया, वो टाइम को 12 से मल्टीप्लाई किया, 60 बना दिया और वो पीवी उठा लिया। अब ये इसमें क्या कैलकुलेट होगा, जो आईपीएमटी है वो 1 पे 2 पे जो भी रिटर्न कर रहा था, ये यहां से आईपीएमटी ने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न की, से पहली वैल्यू है 583.333 वो यहाँ पे वही है, दूसरी वो है 576.565 तो ये यहाँ पे है। ऐसे ही इसने पूरी 60 वैल्यूज यहाँ दे दी हमारे सम फॉर्मूला को, ठीक है जी। और सम फॉर्मूला किसी रेंज के मिलने पे या ऐसे नंबरों के मिलने पे क्या करता है, सम ही करता है, ठीक है जी। तो ये कहानी है जी, तो ये एरे की एक्चुअली पावर है कि हम ऐसे इसमें कर सकते हैं। पर एरे का एरे में हमेशा ब्रैकेट यही यूज होता है, ब्रैकेट यही हो सकता, कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट यूज होगा सर, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर से लगेगा हमेशा। अगर F2 दबा के नॉर्मल एंटर मारता हूं तो कोई रिजल्ट नहीं, वो सिंगल ही दिखाएगा, क्योंकि विदाउट कंट्रोल शिफ्ट एंटर के ये एक ही रिजल्ट रिटर्न करता है, रो तो 1 ही रिटर्न करेगा क्योंकि 160 है, पहली वैल्यू दे देगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ही ये मल्टी वैल्यू में हो जाता है सीधा सीधा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ही टोटलिटी में लेगा, हाँ हाँ जी हाँ जी, और एरे तो ही फॉर्मूला, एरे बनेगा वो, नहीं तो एरे बनेगा ही नहीं वो। हाँ जी हाँ जी, तो एरे फॉर्मूला जो है काफी इसी तरह से करते हैं। ये तो सैंपल है, इसको बाकी आगे देखते हैं कि और क्या क्या छोटे छोटे यूज हैं इसके। अब जैसे मुझे अपना नाम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको याद होगा मैंने मिड फॉर्मूला बताया था, टेक्स्ट का फॉर्मूला था मिड। एग्जैक्टली हाँ, मान लीजिए ब्लॉक्स में मैंने करना है, ब्लॉक लेटर्स में लाने, क्या लगाऊंगा, मिड टेक्स्ट। अब इसमें भी पूछता है स्टार्ट नम और कितने कैरेक्टर, मैंने कहा 1 से स्टार्ट कर 1 ही कैरेक्टर ले, तो पहला ले लिया। दूसरे में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मिड फिर टेक्स स्टार्ट, अब मैं कहूंगा 2 से स्टार्ट कर 1 कैरेक्टर उठा, तो इस तरह से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी काफी सारी। सिंपल तरीका क्या है, इनकी मैं सिलेक्ट कर लूं सारा, मिड का फॉर्मूला लगाया। अब देखिए इसमें सिंपल सी चीज चेंज कौन सी हो रही है, स्टार्टिंग नंबर ही चेंज हो रहा है हर बार, तो मैं इसको यहां से करके या तो ऐसे करके दे दूं, ये 7 तक मैंने दे दिया इस तरीके से, या रो के थ्रू दे दूं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 ही उठाने। अब मैंने क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये आ गया, ठीक है जी, सही है। दूसरा तरीका हो सकता था इसमें, रो 1:7 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्या गड़बड़ कर गया मैं, कॉलम दबाया था क्या, कुछ और दबाया था, हाँ कॉलम नहीं, अच्छा ये रो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ तो कॉलम चाहिए मुझे, हाँ अब होगा, सही है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका फायदा ये फॉर्मूला है, अगर कोई नाम चेंज भी होता है तो यहाँ चेंज भी कर देगा ये, ओके ठीक है जी। अब छोटी सी चीज और करनी है, मैंने करना है अपर में, ये जो भी आए टेक्स्ट अपर केस में आए,
तो अपर का फॉर्मूला इससे पहले लगा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी, कुछ भी टाइप करूँ अपर में आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये डायनेमिक रेंज डिसाइड करे। अब जैसे मैंने 1 to 7 तो ले रखा है, पर नाम हमेशा 7 का तो होगा नहीं, या तो डायनेमिक रेंज करे या तो हम मैक्सिमम लेके चलें, कि जैसे 40 का ब्लॉक है तो 40 ले लिया मैंने सीधा। और नहीं तो अगर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं कि अपनी मर्जी से ले, तो ये जो 1:7 दिया है सर, ये एक तरह का एड्रेस है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इनडायरेक्ट का, जो एड्रेस टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास 1:1 तक तो ठीक है, उसके बाद लगा देंगे हम। अब खाली 7 को एड्रेस में कन्वर्ट करूंगा तो भी नहीं चलेगा, मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को ही डालना पड़ेगा कॉलम के अंदर जो कोई भी आ रहा है। तो इनडायरेक्ट का फंक्शन यहाँ आया, इसको मैंने ले लिया टेक्स्ट में, क्योंकि टेक्स्ट को ही एड्रेस में कन्वर्ट करता है। एंड का फॉर्मूला लगाया और लेंथ निकाल ली इसकी, जो भी मैं नाम दे रहा हूँ। वह ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, कॉलम का ब्रैकेट, ये लेंथ का यहाँ खत्म हो गया, इनडायरेक्ट का यहाँ खत्म हो गया, कॉलन कॉलन, हाँ यहाँ एक कॉमा, यहाँ एक ब्रैकेट चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अब ये डायनेमिक लेने लग गया, जितनी होगी उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेगा। मैंने ज्यादा में दे दिया, अब तो करके कर। ठीक है सर, सही है। स्पेस ये उतना ही पकड़ेगा जितना ऊपर दिया हमने संदीप और कुमार और सिंह के बीच में। हाँ स्पेस उतना पकड़ेगा सर। तो जैसे फॉर्म वगैरह बनाने हो, मैंने आपको एक फॉर्म सा दिखाया था, एक एक्सिस बैंक वाला, वो इसी तरीके से बना है, सिर्फ एक फॉर्मूले से, इसी से। सही है, हाँ उस फॉर्म के लिए ठीक रहेगा, सही है। देखिए इसके ऊपर मैंने क्या बनाया था, ये वाला फॉर्मेट था सारा, ठीक है जी। अब इसमें क्या था, मैंने फिक्स ही दे दिया 1 to 37 तक, तो 37 ब्लॉक्स थे, मैंने कहा चलो जान दो, ठीक है सर। और इसका डाटा मैं उठा रहा हूं यहां से, बैंक वाला एग्जांपल हमने पढ़ा नहीं वैसे, बट क्लियर है। ये वाला नहीं, ये पढ़ाया नहीं था मैंने, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अच्छा। मैंने बनाया था, बीच में मैंने जिक्र ओके किया हाँ होगा, अगर किया होगा तो इसका। हाँ हाँ तो ये ठीक है एक NEFT फॉर्मेट है, जिसको मैंने क्या किया था ना, देखिए सर फॉर्मेट बनाना तो आसान चीज है, फॉर्मेट कोई भी बना लेगा, पर ब्लॉक लेटर्स में एंट्री करना बहुत बड़ी बात है, फिर फॉर्मेट का फायदा नहीं हुआ, स्पीड नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती। सही है सही है सही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक डेटा फॉर्म सा बना दिया। फॉर्म क्या, वैसे ही मैंने कहा आप यहाँ पे एंट्री कर दो, ये अपने आप ट्रांसफॉर्म कर देगा उसको फॉर्म में, गुड यार गुड, ये अच्छा। ठीक है। और इसमें सिर्फ यही एक फॉर्मूला, ये मिड वाला आपका लगा हुआ है बस। हाँ दिख रहा है सब में ऑलमोस्ट ऐसा ही है, जवान डालते जाओ यहाँ आता जाएगा राइट ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये मतलब एरे के फॉर्मूले के बगैर तो ये थोड़ा सा उकन वो होता है, लोग सोचते हैं एरे के कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो मतलब VBA की पावर रखते हैं पूरी पूरी, ओके मतलब ओके वो गुड। लगता है कि VBA से चल रहा है सारा। ओ सही है ठीक है सर, तो ऐसा करेंगे कल इसको हम खत्म कर देंगे पूरा एरे सही से,
एडवांस लेवल के इसके कुछ वो देखेंगे। आज मैंने आपको छोटे छोटे इसके एग्जांपल बताए, कल इसको थोड़ा खींच के लेंगे। ठीक है ठीक सर। है, चलो ठीक है, ओके वैसे थैंक्स। वैसे मैं संडे को आपको कॉल कर रहा